नगर परिषद हमीरपुर के अधिकारियों पर पुलिस थाना हमीरपुर में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज हो गया है। हमीरपुर न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम और विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। नगर परिषद हमीरपुर के खिलाफ पुलिस में ये तीसरा मामला है। इससे पूर्व जिला प्रशासन हमीरपुर ने 2 मुकदमे दर्ज करवाए हैं। लगातार धोखाधड़ी के आरोपों में 3 मुकदमे दर्ज होने के बाद नगर परिषद हमीरपुर के अधिकारियों व पूर्व अधिकारियों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। इस संदर्भ में शिकायतकर्ता के अधिवक्ता विवेक शर्मा ने बताया कि वार्ड नंबर 10 में वर्ष 2007-08 में सामुदायिक भवन का निर्माण नगर परिषद द्वारा करवाया गया था। इस भवन के निर्माण कार्य के बाद एमपी में कई गलतियां दर्ज की गई। इस बारे में शिकायतकर्ता द्वारा नगर परिषद के संबंधित अधिकारियों को कई बार लिखित व मौखिक रूप से अवगत करवाया, लेकिन हर बार उन्हें मामले का शीघ्र निपटारा करने का आश्वासन दिया जा रहा है। काफी समय तक जब कोई कार्यवाही नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा अमल में नहीं लाई गई तो संबंधित मामले की शिकायत निदेशक शहरी विकास विभाग शिमला से की गई। निदेशक द्वारा संबंधित मामले की रिपोर्ट तलब किए जाने पर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी द्वारा गलत रिपोर्ट दी जा रही है, जिसके चलते मामले का निपटारा न हो सका। इसके उपरांत संबंधित विभाग की शिकायत पुलिस विभाग में भी की गई है, लेकिन पुलिस द्वारा भी जब कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई तो संबंधित मामले में कार्रवाई करने के लिए शिकायतकर्ता ने न्यायालय की शरण ली व न्यायालय में आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज करने के लिए आवेदन किया, जिस पर मुख्य दंड अधिकारी हमीरपुर ने नगर परिषद के अधिकारी व पूर्व कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोप में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। उधर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमीरपुर बलवीर सिंह ने कहा कि न्यायालय के आदेशों पर नगर परिषद के अधिकारियों व पूर्व में रहे अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। हाँ, इसमें न्यायालय की तरफ से एक लेटर आया था, इसमें केस रजिस्टर करने के लिए कहा गया है। तो इसमें शिकायत यही थी कि जो नगर परिषद हमीरपुर है उसके द्वारा जो पीछे कोई 3-4 साल पहले काम करवाए गए हैं उनमें अनियमितताएं हैं, इस पर केस दर्ज कर लिया गया है और इसमें अन्वेषण किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही इसमें बता सकते हैं कि क्या इसमें हेराफेरी हुई है या किस तरीके से जो गवर्नमेंट फंड है उनका मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है। इसमें यही धाराएं लगी हैं कि इन्होंने जो सरकारी पैसे का गबन किया हुआ है और जो निर्माण कार्य है उनकी जो क्वालिटी है वो उस स्तर की नहीं है जिस स्तर की बताई गई है। बाकी इसमें अन्वेषण के बाद इसमें बताया जा सकता है कि आरोप कितने सही हैं या कितने गलत हैं।